सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी शेयर करूंगी, चिकन शावरमा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चिकन शावरमा का बेस पीटा ब्रेड से तैयार किया जाता है। उसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने दही का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे इसको गूंदने के लिए। तो आइए देखते हैं शावरमा का बेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें हम अपना मैदा ऐड कर लेंगे और चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऑयल ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा अच्छी तरह से आटे में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद कर एक डो बना लेंगे। ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको हम ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपना पीटा ब्रेड बनाएंगे और अब शावरमा की फिलिंग बनाएंगे हम। उसके लिए मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसकी पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली है। ये कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं, इसे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1/2 नींबू का रस लेंगे और 2 टेबल स्पून मैं दही का इस्तेमाल करूँगी इसमें। और ये मैंने 1 कप पत्ता गोभी को बारीक कट कर लिया है और 1 छोटी शिमला मिर्च लेकर मैंने उसे भी लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसे भी बहुत ही बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम एक बोल लेंगे और उसमें जो है हम चिकन को ऐड कर देंगे, सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे और ये मैंने 1 पिंच फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें लेकिन इससे कलर अच्छा आएगा तो वो भी ऐड कर देंगे और इन सबको मिक्स कर देंगे। इसमें हम दही को भी ऐड कर देंगे और 1/2 नींबू का रस, नींबू जो मैंने लिया था 1/2, इसका रस ऐड कर देंगे इसमें। और इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके और हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन बोनलेस है इसलिए 15 मिनट में अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा और सारे जो है मसाले का फ्लेवर चिकन में चला जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके
15 मिनट के लिए इसको ढककर रख देते हैं। ये मैंने चिकन मैरिनेट करके जो रखा था इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम चिकन के पीसेस को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा मैरिनेशन डाल देंगे इसमें। अब इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर तक कुक करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से कुक करना है जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता है और चिकन टेंडर नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमें इसे कुक करना है। हम चिकन को जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता है तब तक के लिए कुक करेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पर करके ढककर कुक कर लेंगे कि हमारा चिकन टेंडर हो जाए। जैसे गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं और इसे ढककर कुक कर लेते हैं। बीच बीच में हम शावरमा को चेक कर लेंगे। अभी हमारा चिकन में थोड़ा जूस बचा है और चिकन टेंडर हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा है तो हम इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पर ढककर थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे। ये चिकन को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। चिकन टेंडर हो गया है और अब हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, इतना ही कुक करेंगे कि ये थोड़ा क्रंची बना रहे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। ये मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। ये हमारा शावरमा का फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे हम और इसमें जो मैंने एक प्याज कट करके रखा था वो मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ प्याज के साथ इसको कुक नहीं करना है, बस हाई फ्लेम पर इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। शावरमा का फिलिंग भी रेडी हो गया है और हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अपने पीटा ब्रेड बनाएंगे। ये हमारा आटा रेडी हो गया है अच्छी तरह से। इसको रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है। अब हम इसके पतले पतले रोटियां बनाएंगे शावरमा का बेस। इसके लिए हम जो है एक पोर्शन ले लेंगे आटे का, इतना बड़ा। थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। ये मैंने इसको बेल लिया है। अब हम एक फोक की मदद से इसमें होल कर देंगे ताकि जब इसको सेके तो ये फूले नहीं। ये हमारा एक बेस बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम और बना लेंगे। ये मैंने अपने पीटा ब्रेड को बेल लिया है। अब हम इसको सेकेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है। आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपना बेस डाल देंगे और गैस की फ्लेम धीमे कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। इसको ये हमारा
एक साइड से इसको लाल नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसको टर्न कर देंगे, बस ये हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट हो जाए, और स्लो फ्लेम पर हम इसको दबाते हुए कुक करेंगे कि ये अंदर तक कुक हो जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्के हल्के ये ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे और ये अंदर तक कुक हो जाएगा स्लो फ्लेम पर। इसको दबाते हुए हम कुक कर लेंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे, ये देखिए ये ब्राउन स्पॉट आने तक ही हम इसको कुक करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके बनाना है हमें इसे। बस ये हमारा बेस तैयार हो गया है, ये देखिए ब्राउन स्पॉट आ गए हैं इस पे और ये अंदर तक कुक हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपना दूसरा बेस भी बना लेंगे। हमारी पीटा ब्रेड भी रेडी हो गई है, हमारा फिलिंग भी रेडी है। अब हम अपने शावरमा को असेंबल करेंगे। इसके लिए मैंने मेयोनीज लिया है और ये टोमेटो सॉस लिया है। आइए देखते हैं इसे कैसे असेंबल करते हैं। पहले हम एक शावरमा का बेस लेंगे और इस पे हम टोमेटो सॉस लगा देंगे अच्छी तरह से। जितना भी सॉस आपको पसंद है, कम या ज़्यादा, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लगाइए। वैसे इसमें ज़्यादा मेयोनीज ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें अपनी फिलिंग रखेंगे। फिलिंग को अच्छी तरह से रख देंगे इस पे। और इसके ऊपर भी मेयोनीज लगाएंगे। और हम इसे रैप कर देंगे। तब हम इसको रैप कर देंगे। इसके लिए हम इसको ऐसे टूथपिक लगा के हम इसको सेट कर देंगे। और इसे एक टिश्यू पेपर में लपेट कर सर्व करेंगे। कि हमारा शावरमा रेडी हो गया है, ऐसे ही अपना दूसरा भी बना लेंगे। ये हमारा यमी डिलीशियस शावरमा, चिकन शावरमा बनकर रेडी हो गया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, इस मेथड से इसे ज़रूर बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।